हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं हूँ धनंजय। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। 3 अगस्त 2023 को हमारे आईटी मिनिस्ट्री ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, जहाँ पे वो ये कहते हैं कि इमीडिएट इफेक्ट से लैपटॉप, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस, स्पेसिफिकली जो कंप्यूटर और लैपटॉप से संबंधित है, उसको इमीडिएट इफेक्ट से बैन कर दिया गया है या उसे रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। जैसा कि देख सकते हैं आप, इंडिया स्टॉप्स इम्पोर्ट ऑफ लैपटॉप विद इमीडिएट इफेक्ट। जैसे ही ये न्यूज़ मार्केट में आता है, एक थोड़ा सा क्योस समझ जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे सवाल जुड़े होते हैं। अगर आप किसी चीज़ को इम्पोर्ट करने से अगर आप मना कर देते हो या उसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हो या इन अ वे आप उसे बैन कर देते हो, तो जो सबसे पहला सवाल आता है कि क्या आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव है जिससे कि आप जिसको बैन किए हो उसको आप फुलफिल कर सको। गवर्नमेंट ऑफिशल्स का ये कहना था कि वो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से वो आगे बढ़ाने चाहते हैं, इसलिए ये स्टेप लिया गया था। शायद ही कोई इंडियंस ऐसे होंगे जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव से वो खुश नहीं होंगे या इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करते होंगे, बेशक करते होंगे। लेकिन साथ में सवाल ये भी उठता है ना कि अगर आप किसी चीज़ को अगर आप बैन कर रहे हो तो आपको उसे सिस्टमैटिक तरीके से बैन करना चाहिए, और ये एक सबसे बड़ा कंसर्न था। जैसे ही ये न्यूज़ मार्केट में आता है, थोड़ा सा क्योस मच जाता है, इनफैक्ट ज़्यादा क्योस मच जाता है। जब ऐसे न्यूज़ आते हैं तो मार्केट में ब्लैक मार्केटिंग बढ़ जाता है, सामान को रोक लिया जाता है ताकि उसे महंगे कीमत में बेचा जा सके, उसके जो प्राइस होते हैं वो 2 या 3 गुना बढ़ जाता है। तो ये सब गवर्नमेंट ऑफिशल्स को समझ में आ गया जैसे ही वो ये न्यूज़ को पब्लिक डोमेन में लाते हैं या जब वो नोटिफिकेशन निकालते हैं। 5 जून का ये आप आर्टिकल देख सकते हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कह रहा है, इंडियन गवर्नमेंट डिफर्स कर्ब ऑन लैपटॉप मोबाइल इंपोर्ट्स, गिव 3 मंथ्स ब्रेदर। अब एक दिन के ही अंदर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कह रही है कि नहीं, इसे हम इमीडिएट इफेक्ट से इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, हम 1 नवंबर से इसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे। मतलब 1 नवंबर से भारत में जो आपका लैपटॉप कंप्यूटर का जो इम्पोर्ट है या आईटी संबंधित जो आपका कंपोनेंट्स है उसके इम्पोर्ट को रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। रिस्ट्रिक्शंस उन सब चीज़ों पे की जाएगी जो कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए रहेगा। सपोज दैट अगर कोई इंडिया का व्यापारी है, वो लैपटॉप कंप्यूटर को मंगा के अगर वो बेचेंगे तो उनके लिए वो काफ़ी मुसीबत हो जाएगा या वो नहीं बेच पाएंगे क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगे। हालांकि अगर कोई अपने पर्सनल यूज़ के लिए 1 या 2 लैपटॉप या कंप्यूटर खरीदता है या तो अगर कोई रिसर्च पर्पज़ के लिए खरीदता है तो उसके लिए बैन नहीं है। लेकिन सवाल ये होता है ना कि जब विद इन 24 आवर में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने ही बात से डिफर कर जाती है, पहले वो ये कहते हैं कि इमीडिएट इफेक्ट से, फिर वो कहते हैं कि 3 महीना बाद से, ये शायद ये रिफ्लेक्ट करता है कि गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए वो प्रिपेयर्ड नहीं थी। हालांकि मैं ये मान के चलता हूँ पर्सनली कि जो हमारे मिनिस्ट्री में लोग काम करते हैं, जो ऑफिशियल्स काम करते हैं, वो मुझसे पर्सनली मुझसे काफ़ी कम से कम भी तो वो 100 गुना वो मुझसे एडवांस होंगे या वो तेज़ होंगे। लेकिन फिर भी आप समझिए, इंडिया एक बहुत बड़ा देश है जहाँ पे अगर आप कोई नोटिफिकेशन इशू करते हो और अगर उस नोटिफिकेशन में क्लैरिटी नहीं होता है तो वो ब्लैक मार्केटिंग को बढ़ावा देता है। जो एक कंज्यूमर रहेगा वो कभी नहीं चाहेगा ना कि जो चीज़ आज 50,000 में अवेलेबल है कल को वो 60 या कल को वो 70,000 में अवेलेबल रहे। आप आईटी मिनिस्ट्री में काम करते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप एक हाई रैंकिंग ऑफिशियल है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके कम्युनिकेशन या तो अगर आपके आप जो कहना चाहते हैं अगर वो कह नहीं पा रहे हैं तो वो फिर काफ़ी मुश्किल हो जाता है। आप समझिए कि आप पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आपको वैसे लोगों को भी रिप्रेजेंट कर रहे हो जो या तो पढ़े लिखे ही नहीं है या तो बहुत मिनिमम लेवल का उनके पास क्वालिफिकेशन है। तो जिस तरीके से गवर्नमेंट ने फिर अपने बात से वो पलट गए, फिर वो कह रहे हैं कि 1 नवंबर से जो इम्पोर्ट है उसको वो बैन किया जाएगा। अब फिर सवाल ये हो जाता है कि क्या 3 महीने में जो गवर्नमेंट है या जो भारत है वो इतना सक्षम हो जाएगा कि वो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव में वो आगे बढ़ पाएगा। कहने का बहुत साफ मतलब होता है ना कि आप किसी चीज़ को आप फेज़ वाइज करते हो, आप उसको क्रिएट करते हो। किसी भी चीज़ को क्रिएट करने में काफ़ी समय लगता है। आप मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को लाए हो, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है? तो शायद जवाब है अब तक नहीं हो पाया है। दुनिया का जो सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी का मैन्युफैक्चरर है वो चाइना है। भारत इस वाली लिस्ट में कहीं दिख भी नहीं रहा। भारत में कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है लिथियम आयन की या कोई ऐसी कंपनी नहीं है लिथियम आयन की जो बैटरी को इतने बड़े पैमाने पर बनाता है। तो फिर सवाल ये हो जाता है, फिर लैपटॉप वगैरह में या मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन में फिर लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल होता है तो फिर उसका रिप्लेसमेंट क्या है हमारे पास?
दुनिया का जो सबसे लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर कंपनी इन द वर्ल्ड है उसमें से एक भी भारत का नहीं है। इनफैक्ट इसमें से शायद ही कोई कंपनी ऐसे होंगे जो फिलहाल ऑपरेटिव हैं इंडिया में या ऑपरेटिव हैं भी इंडिया में, तो उनका जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी क्या है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसको कि ध्यान में रखना चाहिए या रखना पड़ता है। इसमें से एक भी कंपनी नहीं है जो भारत में है, ये आप 2022 का डेटा देख सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा सेमीकंडक्टर कह ले या माइक्रो प्रोसेसर कह ले वो इंटेल ने प्रोड्यूस किया, इसमें से एक भी कंपनी भारत में नहीं है। एएमडी फिलहाल बातचीत ही हो रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, जहाँ पे वो इंडिया में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को सेटअप करने वाले हैं, इसमें भी काफ़ी टाइम लग सकता है। दूसरा आप देख सकते हैं टॉप 10 इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्टर बाई कंट्री 2022-23 का डेटा आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे भी आप चाइनीज़ डोमिनेंस देख सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि वो सेल्फ़ इंडिपेंडेंट बने, लेकिन उस सेल्फ़ इंडिपेंडेंट बनने में कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम बहुत हड़बड़ी में बहुत बड़ा एक स्टेप ले रहे हो वो स्टेप बैकफायर कर जाए। 2025-26 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये प्लान है, मतलब प्लान मतलब समझ लीजिए एक फ्यूचर है, जहाँ पे जो हमारा आपका इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन रहे वो तकरीबन हम 300 बिलियन के आसपास हम पहुँचना चाहते हैं, ये हमारा गोल है। लेकिन जो मार्केट एक्सपर्ट है उनका कहना है कि एस्टिमेट सजेस्ट इंडिया मे ओनली रीच 225 बिलियन। जो एस्टिमेट है ये भी फ्यूचर है और जो प्लान किया गया है प्रोजेक्ट किया गया है ये भी फ्यूचर है। और चाइना का वहीं अगर आप रियलिटी देखेंगे 2023 में, तो चाइना ऑलरेडी 362.2 बिलियन का वो ऑलरेडी मैन्युफैक्चर कर रहा है 2023 में। तो आप समझिए एक प्रेजेंट है और एक फ्यूचर है, हम फ्यूचर में दुनिया को रूल करेंगे ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ कहने से रूल करेंगे ऐसा थोड़ी होता है। आप देखिए हमारे पास क्या उतना बड़ा यूनिट है, 2024 में चुनाव होने वाले हैं, अगर प्रेजेंट गवर्नमेंट अगर हार जाएंगी तो जो प्लान होता है वो कम से कम भी तो वो 2-3 साल वो बैक चला जाता है। तो बहुत सारे चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। और जिस तरीके से जो हमारे आईटी मिनिस्टर हैं आपके राजीव चंद्रशेखर जी, जिस तरीके से विद इन 24 आवर्स में वो एक अलग स्टेटमेंट देते हैं, कहीं ना कहीं एक डाउट क्रिएट करता है जितने भी जो कंज्यूमर है इंडिया में। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। अगर मुझसे कहीं कोई गलती हो गई तो चाहूँगा कि आप उसे ईमेल करके मुझे बताएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू। गुड बाय।